हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू प्याज की सिंपल सी सब्जी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये तीन छोटे प्याज लिए हैं, इसे मैंने लंबाई में काट लिया है। साथ में मैंने दो मीडियम साइज के आलूओं को लंबाई में काट लिया है, इसे धो लिया है अच्छे से। साथ में मैंने दो बारीक कटी हरी मिर्च ली है, बारीक कटी हरी धनिया ली है। मसालों में मैंने नमक लिया है सादा, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और हींग है। साथ में मैंने जीरा लिया है और गरम मसाला। अब देखिए, सबसे पहले गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें हींग डालेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और उसके बाद हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है, इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। देखिए प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए आलू हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी डालेंगे आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च डालेंगे पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम फिर से 10 मिनट के लिए ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे, जब तक आलू हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए 10 मिनट के बाद सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, इसे अच्छे से देख लेते हैं हम। देखिए आलू हमारे गल गए हैं, ये इसे मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए खुले में फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें लास्ट में हरी धनिया डाल देंगे उसे अच्छे से मिला लेंगे। सब्जी हमारी आलू प्याज की बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आलू प्याज की गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है। इसे आप रोटी पराठे या दाल चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।